नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल कुमार शाह। इसके आगे वाले वीडियो में हमने देखा कि बीजी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कहां से करना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीजी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे होता है। काफ़ी सारे लोगों ने बताया था कि हमें इंस्टॉलेशन सिखाइए, तो अभी वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि बीजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है। आगे वाले वीडियो में हमने देखा था कि डाउनलोड कहाँ से करना है। अभी डाउनलोड हो जाने के बाद जो है कि हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो डाउनलोड होता है तो एक सेटअप डॉट रार फाइल आ जाती है। इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके इसको एस्ट्रैक्ट टू सेटअप दिया जा सकता है, ताकि यहाँ पे ये एस्ट्रैक्ट हो जाए। एस्ट्रैक्ट हियर करेंगे तो सारी फाइलें यहाँ पे ओपन हो जाएगी, हमें नहीं चाहिए, हमें एक फोल्डर में चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने एस्ट्रैक्ट टू सेटअप किया था। अगर हियर करेंगे तो सारी फाइलें बाहर आ जाएंगी, तो वो नहीं करना है। तो सेटअप नाम का फोल्डर आ गया है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो एक फाइल आ गई है, और इसी फाइल के ऊपर हमें डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे वो अपना इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट करेगा। अभी यहाँ पर देखिए, मैंने सिक्योरिटी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा रखे हुए हैं, इसलिए कोई भी फाइल ऐसे रन होती है तो मुझे पूछता है। मैं यहाँ पे रन एनीवे करके आगे बढ़ सकता हूँ। ये विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 10 में ये सिक्योरिटी रखी हुई है। नॉर्मल विंडोज़ यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे अलाउ और ब्लॉक का ऑप्शन आता होगा, और जिन्होंने सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं रखी है वहाँ पे तो सीधा इंस्टॉलेशन ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस हिसाब से ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हमें पूछ रहा है, पब्लिशर अननोन है, इसलिए अगर मैं जो है इसको यस करके आगे बढ़ूं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ है। अभी ये प्रिपेयरिंग इंस्टॉल, तो इंस्टॉल कर रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अभी ये सॉफ्टवेयर बहुत ही सिंपल है इंस्टॉल करना। बस यहाँ पे जैसे ही दिखा रहा है आपको नेक्स्ट करना है। इस लाइसेंस एग्रीमेंट को आपको एक्सेप्ट करना है, तभी ये नेक्स्ट बटन ओपन होगा। हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं और नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स को और उसके डेटा को सी ड्राइव में कभी भी इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि जब भी कोई वायरस आएगा या तो जब भी मशीन स्लो होगा और आप फॉर्मेट करना चाहेंगे तो सबसे पहले सी ड्राइव फॉर्मेट होता है। तो रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को या उसके डेटा को सी ड्राइव में कभी भी मत रखिएगा। तो मैं यहाँ पे उसका ड्राइव चेंज कर रहा हूँ, और चेंज करके मैं उसका पाथ यहाँ पे दे रहा हूँ डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। आपके पास जितने भी ड्राइव है उसमें से कोई भी ड्राइव में आप रखना चाहते हो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे डी ड्राइव पे रखा हुआ है और मैं ओके करके आगे बढ़ता हूँ, तो यहाँ पे डी ड्राइव आ गया है और मैं डी ड्राइव में इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये कुछ टाइम लेगा और उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल इंस्टॉलेशन है, कोई कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन नहीं है। इंस्टॉलेशन करने के टाइम पर सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि आगे ऑलरेडी आपके पास कोई बिजी इसमें इंस्टॉल है या नहीं है। अगर है तो डेटा बैकअप लीजिए और उसको अनइंस्टॉल कीजिए, या तो डेटा का बैकअप ले लीजिए और उसी फोल्डर के ऊपर ओवरराइट कर दीजिए तो लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। पर हमेशा इंस्टॉल करने के टाइम पे ध्यान में रखिए कि आपको एक बार चेक ज़रूर करना है कि इसमें ऑलरेडी कोई बिजी है या नहीं है। आप कैसे चेक कर सकते हो, तो आप माई कंप्यूटर्स में जाके वहाँ के जो सी ड्राइव है उसके फोल्डर चेक कर सकते हो कि यहाँ पे बीजी नाम का कोई फोल्डर है। डी ड्राइव में जा सकते हो कि यहाँ पे बीजी नाम का फोल्डर है। देखिए यहाँ पे बीजी, बीजी मीन, बीजी 18, बहुत सारे फोल्डर है। बट मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मुझे ध्यान में है, और मैंने आगे वाले बीजी को अनइंस्टॉल कर दिया था, इसलिए वो बीजी विन में ले रहा है। आपको ध्यान में नहीं है तो आप डेटा का बैकअप लेके ही उसको ओवरराइट कीजिएगा। देखिए ये सॉफ्टवेयर जो है वो अपना इंस्टॉल हो चुका है, और फिनिश करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल हो गया है। और यहाँ पे उसके जो है वो आइकॉन डेस्कटॉप पे आ जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बीजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं,
बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है। मैटर इसमें इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, ऑलरेडी बिजी है कि नहीं है। बिजी है तो गलती से कहो कहीं वो ओवरराइट ना हो जाए, ओवरराइट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नया वर्जन आ जाएगा। बट डेटा का जो है वो बैकअप एक बार लेकर कुछ भी काम करिएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो 2 मिनट में वापस आ सकता है। अनइंस्टॉल करके एक बार क्या ओके सिस्टम शट ऑफ करके स्टार्ट करके वापस से इंस्टॉल की जा सकती है। बट एक बार अगर डेटा निकल गया तो कभी वापस लाने में अगर बैकअप नहीं है तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है komalkumarshah.com। बिजी रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए, आपको कंसल्टिंग चाहिए, आपको अपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन करना है, नया सॉफ्टवेयर लेना है, AMC करनी है, कुछ भी काम हो इस सॉफ्टवेयर रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे सारे कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं वो इस वेबसाइट पर दिए हुए हैं, komalkumarshah.com पर जाइए और वहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।